बात बिहार चुनावों की छिड़ी है तो मैं एक किस्सा, एक कहानी, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ जो वाकई आज के जमाने में आपको सिर्फ एक किस्सा ही लगेगा। यकीन करना मुश्किल होगा कि कोई मुख्यमंत्री, और वो भी एक बार नहीं दो दो बार, दूसरे उप मुख्यमंत्री और दो बार मुख्यमंत्री रहे एक ऐसे नेता की एक कहानी है जो रिक्शा पर चलते थे। जब उनका निधन हुआ तो पटना तो छोड़िए, अपने पैतृक गांव में उनके पास एक मकान नहीं था जो विरासत में वो किसी को देते। ऐसी सादगी, ऐसी ईमानदारी का नाम थे कर्पूरी ठाकुर। आज जब आप देखते हैं कि करोड़ों रुपए चुनाव में बहाए जाते हैं, प्रचार में खर्च होता है, पार्टी का फंड होता है, इन सब से बिल्कुल दूर अलग अंदाज में वो अपनी पॉलिटिक्स करते थे, और उनका गुणगान सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उनकी ईमानदारी और सादगी की ऐसी ऐसी मिसालें हैं कि ये वाकई आज के जमाने के लिए किस्सा कहानी ही है। तो आपको बताती हूँ, मुख्यमंत्री दो दो बार बने। एक बार उनका चयन हुआ एक ऐसे प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने के लिए जिसे ऑस्ट्रिया जाना था। अब उनके पास कोर्ट नहीं, दोस्त से कोर्ट मांगा, दोस्त ने जो कोर्ट दिया उसमें जरा फटा हुआ था। अब ऑस्ट्रिया गए और उसी के साथ वो शामिल हुए। वहां पर कहा जाता है कि युगोस्लाविया के जो शासक थे मार्शल टीटो, उन्होंने देखा वो फटा हुआ कोर्ट और फिर उन्हें एक नया कोर्ट गिफ्ट किया। ऐसी सादगी, ऐसा व्यक्तित्व। एक और किस्सा है उनके बारे में कि एक बार उनके पिता का, चूंकि वो पिछड़ी जाति से आते थे, एक बार पिता का अपमान किया वहां पर जो कुछ दबंग सामंती लोग थे, उन्होंने उनके पिता का अपमान किया तो पूरी खबर फैली कि डीएम साहब आ रहे हैं, डीएम साहब आ रहे हैं, उनके घर पे उनके पिता का अपमान कर दिया है, डीएम साहब आ रहे हैं, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो कर्पूरी ठाकुर ने खुद जाके रोका था और कहा कि अगर ये जो पिछड़े लोग हैं इनका अपमान तो रोज होता है, सिर्फ मेरे पिता के खिलाफ अपमान होने पर कार्रवाई क्यों? अगर पुलिस वाकई किसी का अपमान न होने दे, सख्त कार्रवाई करे, तब बात हो। ऐसी सोच, ऐसी ईमानदारी, ऐसा व्यक्तित्व जिसकी वजह से कर्पूरी ठाकुर को अक्रॉस पार्टी जबरदस्त रेवरेंस है। देखिए, जेपी उनके गुरु थे, राम मनोहर लोहिया उनके गुरु थे, ऐसे लोग जो ये मानते थे गैर कांग्रेसवाद की राजनीति में एक अहम व्यक्तित्व, ऐसे तमाम लोग जो ये मानते थे कि भ्रष्टाचार से आगे इस देश को ले जाना है, अगर कोई दो दो बार मुख्यमंत्री हो और उसके पास अपना कोई मकान ना हो जो वो विरासत में आने वाली पीढ़ियों को दे, इसी से आप उनकी ईमानदारी का एक अंदाजा लगा सकते हैं। और फिर बिहार की राजनीति की बात हो रही है तो सोचिए आज कैसे करोड़ों रुपए बहाए जाते हैं चुनाव प्रचार से लेकर, किस तरह से पार्टी में आरोप लगता है कि टिकट खरीदने के लिए आपको इतनी इतनी रकम देनी पड़ती है। तो एक कर्पूरी ठाकुर का भी दौर था, इसीलिए मैंने शुरू में ही आपको कहा था कि आज किस्सा ही सुनाऊंगी, क्योंकि आप जननायक कर्पूरी ठाकुर की 99वीं जयंती मनाई। जननायक कर्पूरी ठाकुर किसी परिचय के मोहताज नहीं थे, उनके अभिन्न सहयोगी श्री जयप्रकाश नारायण जी के साथ कई बार जेल गए और उन्होंने कई बार जनहित में बहुत से कार्य किए। जननायक कर्पूरी ठाकुर हमेशा विद्यार्थियों के, दलितों के, शोषितों के, महिलाओं के हमेशा पक्षधर रहे। जननायक कर्पूरी ठाकुर समस्तीपुर गांव में पैदा हुए थे। इनके पिताजी का नाम श्री गोकुल ठाकुर था और माताजी का नाम रामदुलारी था। जननायक कर्पूरी ठाकुर की शिक्षा दरभंगा जिले से प्राप्त की थी। कई बार जेल जाने के बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर ने एक समस्तीपुर में अपना नाम स्थापित किया, जिससे गांव वालों ने उनका नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर की उपाधि दी। माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर हमेशा गरीबों के, दलितों के, शोषितों के, महिलाओं के पक्षधर रहे। जननायक कर्पूरी ठाकुर कई बार जेल जाने के बाद पुनः समस्तीपुर जिला में आए और दो बार मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे। जननायक कर्पूरी ठाकुर एक महानायक थे और उन्होंने जो आज के समय में मुख्यमंत्रियों के पास घर, मकान, गाड़ी होती है वो नहीं थे। उन्होंने अपनी बहुत ही गरीबी स्थिति में यापन किया। जिस समय जननायक कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे तो उनके पास उस समय भी
एक साधारण झोपड़ी थी। और जब उनके पिताजी गुजर गए तो उन्होंने स्टेशन पर गरीब पिताजी का जो भोज करवाया वो गरीब लोगों को स्टेशन पर ही खाना खिलाया था। उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वह अपने पिताजी की त्रयोदशी धूमधाम से कर सकें। जननायक कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों पर हम लोग चलकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे।